एवरीवन, आज मैं आपके सामने यूकेजी क्लास की बेसिकली ये वर्कशीट है जिसमें बच्चे स्पेलिंग्स लिखेंगे, और ये ईवीएस की वर्कशीट है जिसमें मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आऊंगी। और इसके दो पार्ट आएंगे, मींस जो वर्कशीट 7 और 8 होगी वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कम्बाइंड होगी। और इसको आप जो मैचिंग और ये सब रिकग्नाइज वाली वर्कशीट है इसी में, वो आप एलकेजी क्लास के बच्चों को भी करवा सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप प्रैक्टिस कैसे कराएंगे? अच्छा, मेरे से कई पेरेंट्स पूछ रहे थे कि हम बच्चों को स्पेलिंग लर्न कैसे कराएं। तो देखिए, लर्न ऐसे ही होगा, बच्चों को आप जितना रिटन में दोगे ना, वो लिख के ही आएगा बच्चों को। जो 5 स्पेलिंग 6 स्पेलिंग जो भी है, मिनिमम तो 5 करवानी है। वेजिटेबल्स की मिनिमम यूकेजी क्लास के बच्चों को रिटन में आनी चाहिए, और 5 आनी चाहिए फ्रूट्स की। तो आपको लिख के ही प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। तो देखिए, फर्स्ट वर्कशीट कैसे हो सकती है, वेजिटेबल मिसिंग लेटर्स इन वर्ड। तो ये क्या है, टमाटो, TOMATO, पोटैटो, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से मिनिमम, मतलब जैसे ये मैंने दे दी है करीब 10 to 12। तो आप जो बेसिक है ना, जरूरत नहीं है कि सारी आप करो। जैसे अब ये कॉर्न है, अगर बच्चा पहचान रहा है तो ठीक है, नहीं पहचान रहा है तो कोई बात नहीं। मतलब टमाटो, पोटैटो, अनियन, कैरेट, पीस, ये वाली सिंपल तो उन्हें बच्चे को पहचाननी चाहिए। देन फ्रूट्स, फ्रूट्स में आपको क्या है, जैसे ये एक है 10 to 12, ये पूरी फ्रूट्स के नेम्स हैं। तो इसमें आप एटलीस्ट 10 बच्चे को रिकग्नाइज करने आनी चाहिए, और 5 की स्पेलिंग बच्चे को आप लर्न कराइए। देन कैसे हो सकता है, देखिए, सर्कल द करेक्ट फ्रूट। तो ये क्या है, एप्पल, तो एप्पल। ये क्या है, पियर। ये क्या है, ऑरेंज, ग्रेप्स। तो इस तरीके से आप एक वर्कशीट दे सकते हैं। फिर आई स्पाई, इस तरीके से, जैसे क्या है, यहाँ पे ये लेमन बना है, तो यहाँ पे ये लेमन कितने हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से काउंट करके रखना है। तो इससे ना बच्चा अच्छे से, अब जैसे ये वाला ना एलकेजी क्लास वाला भी बच्चा वर्कशीट सॉल्व कर सकता है, क्योंकि अच्छे से वो रिकग्नाइज करना है उससे वो सीखता है। तो इस तरीके से आप वर्कशीट दे सकते हो। नेक्स्ट वर्कशीट क्या देख सकते हो, यहाँ से देख के ये लिखेगा कि ये कौन सा, ये पियर है, चेरी है, एवोकाडो है, बनाना है। तो यहाँ पे स्पेलिंग सारी लिखी हुई है, तो बच्चे ने यहाँ से लिखना है। तो आप इस तरीके से बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। देन ये देखिए, स्पेलिंग फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में जो स्पेलिंग आती है, उससे बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है। तो इस तरीके से आप दे सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है तो आपको सीधे नेम्स लिखने हैं बच्चे को, तो किस तरीके से हैं वो लिखने हैं। देन आप देख सकते हो, वही ये क्रॉस इधर लिखना है। और ये अगर आप इसमें नहीं भी करवाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे 3 नंबर पे है ना, तो यहाँ पे जो 3 पे होगा उसको इस तरीके से लिखना है, डाउन इस तरीके से करना है। फिर ये देखिए, एक ये इंटरेस्टिंग और आ जाती है, जैसे देखिए AP, ठीक है, 2 वर्ड्स दे दिए, अब उसके आगे का कहाँ होगा, PLE, तो एप्पल। तो ये सब ना आप कॉपी में भी सेट कर सकते हो आराम से। मैं इसलिए आपको, मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि आप एज इट इज कॉपी करिए, बच्चे को कॉपी सेट करके दीजिए ना, ये 10 स्पेलिंग्स दीजिए, बच्चे को बहुत अच्छे से आएगा। नेक्स्ट वर्कशीट आप कैसे कर सकते हैं, फ्रूट वर्ड सर्च। फ्रूट वर्ड सर्च, ये जैसे मेरे बच्चे, पहले मैंने ना, मेरे बच्चे भी यूकेजी क्लास में हैं जैसा कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, पहले मैंने उनको छोटे छोटे दिए थे, जैसे 10 to 12 इंग्लिश में दो, आप किसी में भी दो, कोई भी। अब उनको हैबिट हो गई है, तो अब वो सर्च कर लेते हैं, जैसे पापा या, तो मैंने क्या सिखाया है, 2 वर्ड्स 2 लेटर्स वो सीख ढूंढते हैं। जैसे पपाया की क्या है, उन्हें स्पेलिंग लर्न है, PA, तो वो PA ढूंढना स्टार्ट करेंगे, पहले P ढूंढेंगे, फिर PA, फिर किधर से जाएगा। तो इस तरीके से, तो आपको इस ये पजल से सर्च करके यहाँ पे फ्रूट्स लिखने हैं। फिर सर्कल द करेक्ट फ्रूट, तो एप्पल, ग्रेप, ये इस तरीके की आप वर्कशीट दे सकते हो। अब जैसे ये वाला क्या है, LKG का बच्चा करेगा, कर लेगा, ठीक है। देन ये देखिए, चूज द राइट वर्ड, फ्रूट है इसमें, चूज द राइट वर्ड। तो अब ये क्या है, लेमन है, तो उसमें कलर करवा दो, सर्कल करवा दो, टिक करवा दो। वाटरमेलन है, और ये क्या है, एप्पल है, तो इस तरीके से आप करवा दो। पाइन एप्पल है, तो इस तरीके से वर्कशीट आप दोगे। देन फिल इन द वॉवल्स, इसमें सिर्फ वॉवल भरने, इसी फॉर्म में बच्चे को वॉवल्स आ जाएंगे, AEIOU होता है, तो एप्पल, ए आएगा, ई आएगा, तो जरूरत पड़े तो आप AEIOU भी यहाँ लिख दो, तो बच्चा सिर को फिल कर लेगा। फिर ये देखिए, जब ये एक अच्छी फॉर्म है, टुडे आई गो टू मार्केट विद माई, अब जैसे कुछ भी आप लिख दो, विद माई डैड, ठीक है, वी बाय वेजिटेबल, या फिर कुछ भी नहीं है, पूरा वेजिटेबल नहीं लिखो तो पूरा एक चीज लिख दो, कैरेट एंड बनाना, ठीक है। तो फर्स्ट वी गो टू द एप्पल, या फ्रूट स्टॉल वी बाय, तो इस तरीके से भी आप बच्चे को करवा सकते हो। देन
फिर इन द वॉवल से नहीं भरना है, ब्रोकली, पम्पकिन, अनियन, गार्लिक, क्या है देखिए, ग्रीन पीज है, और ये क्या है, टमाटो है, कैरेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, देन यहाँ से पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्स, यहाँ पे वेजिटेबल सर्च करके इधर लिखना है, फ्रूट्स सर्च करके यहाँ से ये लिखना है। तो बेसिक वाले ना वो आ जाए, एक आप कैसे दे सकते हो, स्क्रैम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये क्या होगा, एप्पल होगा, ए पी पी एल ई, एप्पल होगा, एप्पल लिखना है, फिर एप्पल मैच करना है, तो इस तरीके से ये क्या है, बनाना है, ये पियर है, वाटरमेलन है, तो स्क्रैम्बल वर्ड्स भी, ये बच्चों को थोड़ा टफ पड़ते हैं, बट बच्चों को आना बहुत जरूरी है, यूकेजी क्लासेस की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट नॉर्मल आप मैच कर सकते हो। तो इसकी दो वर्कशीट आएंगी, आप चाहो तो व्हाट्सएप नंबर पे भी ले सकते हो, और चाहो तो आप बच्चे को कॉपी सेट कर सकते हो। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक यू, टेक केयर।